नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हमारे साथ उपस्थित है आनंद पांचाल जी, जो कि मुंबई से हैं। तो आनंद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, धन्यवाद गोविंद जो आपने मुझे यहाँ आर्ट टॉक शो में इनवाइट किया। आनंद भाई, आपकी आर्ट जर्नी कैसे शुरू हुई, कब से शुरू हुई? मेरी आर्ट जर्नी मेरे नेटिव प्लेस लातूर से शुरू हो गई, जहाँ मेरा जन्म हुआ, बचपन बीता। शुरू में आर्ट में मेरा सभी बच्चों की तरह थोड़ा बहुत रुचि थी। मेरी पढ़ाई तो कुछ खास नहीं थी, बस एवरेज, परंतु आर्ट में कुछ ज़्यादा ही थी। जैसे तैसे 10वीं के एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद जैसे आम बच्चे होते उन्हीं की तरह 11वीं में प्रवेश लिया। दोस्त लोग थे, उनके कहने पे कॉमर्स लिया। कॉलेज में कुछ खास मन नहीं लगा करता था, और लास्ट बेंच पे बैठ के स्केचेस करना ये सब हुआ करता था, और वहाँ के कुछ शिक्षक लोगों को ये पसंद नहीं था, और उनमें से कुछ खास शिक्षक भी थे जो उनकी नज़र मेरे पे पड़ी, और उन्होंने मुझे समझाया कि ये तुम्हारे लिए सही जगह नहीं है और तुम चित्रकला महाविद्यालय में प्रवेश लीजिए, वहाँ तुम अच्छा कर पाओगे। तब मुझे पता चला कि चित्रकला में भी पढ़ाई होती है, और मैंने चित्रकला महाविद्यालय में प्रवेश लिया, और वहाँ पे फाउंडेशन और उस टाइम में ATD हुआ करती थी, जो 2 साल का कोर्स था वहाँ पे लातूर में बेसिक। और आश्चर्य की बात यह है कि वहाँ पे बहुत अच्छे से अच्छे शिक्षक मिले, और उन्होंने बहुत अच्छा सा गाइडेंस किया, और जैसे उस टाइम में सीनियर लोग हुआ करते थे उनके पास से मैं सुनता था कि JJ स्कूल ऑफ आर्ट वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, और तब से मेरे दिमाग में एक ही बैठ गया कि मैं JJ स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश ले लूं। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे JJ स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश नहीं मिला, और ये तो मेरा सपना था कि मैं वहीं पे सीखूं, परंतु नहीं हुआ। ओके, बट मैंने उसके बाद में अभिनव कला महाविद्यालय में प्रवेश लिया, और वहाँ पे जो आर्ट की जर्नी रही वो कुछ खास ही थी। जी, संघर्ष सभी के जीवन का एक हिस्सा रहता है। अच्छा, आपके काम के विषय में आप कुछ बताइए। हाँ, जैसे मैंने काफ़ी विषयों पे काम किया है, और उनमें से ज़्यादातर विषय मेरे ग्रामीण के रहे हैं, क्योंकि आज भी मैं गांव में जाता हूँ तो वहाँ पे ऐसा फील होता है कि जो गांव का जो मतलब लाइफस्टाइल है और सिटी का लाइफस्टाइल, दोनों में काफ़ी कुछ डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे कंक्रीट जहाँ पे देखो वहाँ पे कंक्रीट है, कंक्रीट देखने को मिलते हैं, जो ग्रीनरी है वो ख़त्म हो रही है। और जैसे गांव में जाते हैं तो जो ग्रीन देखते हैं, सराउंडिंग जो पीपल्स है वो, उनका रहना, उनका जो भी दिनचर्या है, उनके काम की शैली है, और जैसे मंदिर है, पंडित है, जो भी है वो देख के खुशी मिलती है। वहाँ के पेड़ पौधे हैं, उनको छूने के बाद जैसे मिट्टी उसको छूने के बाद जो फील आता है, और मैं समझता हूँ कि मेरे पेंटिंग में ज़्यादा तो एलिमेंट्स गांव साइड से ही आते हैं, और वो मुझे पेंट करना भी अच्छा लगता है। और वैसे तो स्मॉल जो बच्चे हैं उनको लेके मैं ज़्यादा ही कुछ पेंट किया हूँ आज तक, क्योंकि मुझे उनका इनोसेंस जो है वो मुझे ज़्यादा भाता है, और जो पेंट मैं करता हूँ उसमें सराउंडिंगली जो एलिमेंट्स है उसका यूज़ करता हूँ। जी, कॉलेज के समय के कुछ किस्से कहानियाँ आप हम लोगों से शेयर करना चाहेंगे? जैसे पूना से जुड़ी काफ़ी कुछ यादें हैं, जहाँ पे मेरा पढ़ाई के लिए मैं गया था अभिनव कला महाविद्यालय में, और जैसे हम लोग हॉस्टल कॉलेज के बाजू में ही था, तो काफ़ी दोस्त लोग वहाँ पे रहते थे हॉस्टल में, और वहाँ पे जैसे एक फ्रेंड सर्कल काफ़ी था, तो सबका एक ही टारगेट था कि काम करना है, काम के प्रति काफ़ी, मतलब हम लोगों का जुनून ही कुछ अलग था। और जैसे पोर्ट्रेट तो मेरा पसंदीदा विषय था, और सभी लोग वहाँ पे जो है पोर्ट्रेट किया करते थे वहाँ पे, और हम लोग मानो ऐसे कि रोज़ एक दो पोर्ट्रेट तो करते ही थे, और काफ़ी मतलब स्केचिंग करना, यहाँ पे जाना, वहाँ पे जाना, ग्रुप में स्टडी करना, और कॉलेज में कम और हॉस्टल में ज़्यादा हम लोगों का समय बीतता था।
और वहाँ पे कुछ सीनियर लोग आते थे, एक दूसरे का करेक्शन करना, कैसे काम करना है, कौन से स्टाइल में काम करते हैं, सब लोग देखते थे। एक दूसरे को देख के काफ़ी कुछ हम लोग मतलब सीखते थे। और जैसे 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 कॉलेज ख़त्म हुआ, कॉलेज ख़त्म होने के बाद तो मानो जैसे मुझे जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश मिल गया, जो मेरी इच्छा थी वो वहाँ पे सडनली मिल गया। मतलब जो अच्छे मार्क्स से मैंने अभिनव में किया, टॉप हुआ मैं अभिनव कॉलेज से, उसके बाद में तो सहज एडमिशन मिल गया जे जे स्कूल ऑफ आर्ट में। और वहाँ पे जे जे स्कूल ऑफ आर्ट में जाने के बाद तो जैसे मानो मेरा सपना पूरा हो गया। और वहाँ पे काफ़ी कुछ अलग ही दुनिया थी वहाँ पे आर्ट की, वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखा हम लोग। वहाँ से जहांगीर आर्ट गैलरी जो है वो बाजू में थी, तो हम लोग जाते थे आते थे डेली बेसिस पे, मतलब एक मंदिर जैसा ही था। हम लोग जाते थे, शो देखते थे, बहुत अलग अलग काफ़ी नामचीन लोग आते थे, उनके शोज़ देखते थे। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि अपना भी यहाँ पे एक शो होना चाहिए। तो वहाँ पे भी एक अलग एक्सपीरियंस रहा। वहाँ पे वर्ली हॉस्टल में मैं जब पढ़ाई कर रहा था और वहाँ पे रहते थे हम लोग वर्ली हॉस्टल में, तो वहाँ पे भी काफ़ी सीनियर लोग थे जो अच्छा काम कर रहे थे और जो जिनका नाम था काफ़ी कुछ। तो वहाँ से जो काम करने की एक आदत पड़ गई और डेली बेसिस पे हम लोग काम करते थे, तो देखते थे सब लोग, अच्छा लगता था। और वो भी एक अलग था एक्सपीरियंस। और वहाँ से जो सीखा है तो आज भी काम कर रहे हैं, अच्छा लगता है सब लोगों के साथ में मिलके बात करना, काम करना, अपने लाइफ को एंजॉय करना और अपने काम को एंजॉय करना। जी, कॉलेज के समय के काम और अभी के जो काम, उसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? हाँ, तो जैसे मैं समझता हूँ कि कॉलेज के पीरियड में जो काम होता है, जो एक्चुअली उसको काम नहीं बोल सकते, जैसे असाइनमेंट बोल सकते हो आप, जैसे असाइनमेंट दी जाती है उसमें कुछ आपके टीचर्स आपको गाइडेंस करते हैं, करेक्शन करते हैं, समझाते हैं, और उसमें से कुछ त्रुटि है तो वो टीचर्स आपको बोल देते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप काम करते रहते हो। बट मेरा ये मानना है कि आप जब प्रोफेशनल में काम कर रहे हो तो उसमें आपके गुरु आप ही होते हैं, ऐसा मुझे तो लगता है। और आप ही आपको समझाते हो, सिखाते हो, और जो काम में कमी है वो काम आपको बोलता है कि इसमें क्या कमी है क्या नहीं है। और जैसे मेरा तो सब्जेक्ट है कि मैं फिगरेटिव में काम करता हूँ और काफ़ी कुछ ट्रैवलिंग करने को हो जाता है। जैसे गांव भी जाता हूँ तो वहाँ पे सराउंडिंग भी मैं देखता हूँ, और वो सहजता से होता है एक्चुअली, उसको ऐसा बयां नहीं कर सकते। बट जो भी एलिमेंट्स आते हैं सराउंडिंगली दैट, कि जैसे मैं मंदिर में जाता हूँ तो वैसे वहाँ पे सराउंडिंगली काफ़ी कुछ देखते हैं, तो वहाँ पे छोटे छोटे कुछ एलिमेंट्स मुझे मिल जाते हैं। और जैसे बाहर भी घूमता हूँ तो कुछ काफ़ी कुछ है ना नेचर में, बहुत कुछ देखने लायक है, तो वहाँ से कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं। वो तो ऐसे बोल नहीं सकता हूँ कि डेफिनेटली यहाँ से आया या वहाँ से आया जो, बट नेचर के हिसाब से मैं अपने पेंट में लाने की भी कोशिश करता हूँ, आ भी जाता है। जी आनंद भाई, एक कोरा कैनवास देख के आपके मन में क्या विचार आते हैं? ये हमारा एक रेगुलर क्वेश्चन होता है, सभी का अलग अलग उत्तर होता है। आपके मन में क्या विचार आते हैं? हाँ, तो जैसे ये कैनवास की बात की जाए तो ये जैसे एक दिन का काम नहीं है, ये तो सब लोग जानते हैं, सब आर्टिस्ट जानते हैं। बट हर एक आर्टिस्ट का अलग अलग नेचर होता है, जैसे मेरा भी नेचर अलग है। कुछ लोग, कुछ आर्टिस्ट पहले रियाज करते हैं, पहले स्केचिंग होता है, ये होता है, वो होता है, और जैसे उनकी पूरी ज़िंदगी चली जाती है कैनवास करते करते। और ऑब्वियसली कि मैं भी काम कर रहा हूँ तो कुछ सोचा होगा काम के बारे में, जैसे कैनवास के सामने बैठता हूँ तो कैनवास बोलने लगता है कि ये होना चाहिए या वो कंपोजिशन होना चाहिए, ये होना चाहिए। बट करते करते काम शुरू हो जाता है। हाँ, बट काम शुरू होने के बाद में जैसे मेरा है नेचर कि मैं काम शुरू करता हूँ तो रिगार्डिंगली कि ये कलश होना चाहिए, वो कलश होना चाहिए, देन उसके बाद में कड़ियाँ जुड़ती जाती है, काम होते रहता है। और ऐसा भी नहीं है कि हर एक कैनवास आपका उतना ही रिस्पॉन्स करे कि जो अपने माइंड में है वो कैनवास में उतारे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो आपके माइंड में है वो कैनवास पे उतारने की आप कोशिश करते हो बट वो रिस्पॉन्स नहीं होता है, वो आप मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो। बट वहाँ पे निराशा हो के रुकना, ये अपना नेचर नहीं है। या बिल्कुल सही कहा, किसी किसी का अलग हो सकता है।
बट ऐसा नहीं कि वहाँ पे रुको आप, वहाँ पे हर एक दूसरा कैनवास लेके और दूसरा काम, तीसरा काम, और जहाँ पे सुबह एक नई सुबह होती है, नया काम होता है, एक काम होते रहता है। जी, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा नए स्टूडेंट्स व आर्टिस्टों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नए जो कॉलेज के स्टूडेंट आ रहे हैं वो काफ़ी प्रतिभाशाली है, मैं समझता हूँ कि उनके लिए वो बहुत ज़्यादा लकी है क्योंकि अभी आज के ज़माने में ये इंटरनेट, समझो गूगल तो आपके गुरु ही है बेसिकली, मैं समझता हूँ, तो काफ़ी कुछ उन लोगों को देखने को मिलता है। जैसे ये गोविंद जी, आपने भी ये आर्ट टॉक शो रखा है, उसमें से भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं, देखते हैं। और ये मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ सुनने से और देखने से काम नहीं होगा, तो आपको प्रैक्टिकली पहले काम करना पड़ेगा, काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, नया नया कुछ सीखना पड़ेगा। सिर्फ आप देख के विजुलाइज करके ये आर्ट, मैं समझता हूँ, नहीं हो सकता है। ये आपको प्रैक्टिकली पेंसिल लेके काम करना ही होगा, पहले स्केचेस करने पड़ेंगे, काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद को समझना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो और कौन से दिशा से आप जा रहे हो और आपको क्या करना है। तो ये मैं समझता हूँ, ये अगर कोई हर एक स्टूडेंट समझेगा तो वो आगे चल के काफ़ी कुछ कर सकेगा, ना कि देख के ओनली। थैंक यू आनंद भाई, आपने बहुत सारे सवालों का बहुत अच्छे से बेबाकी से जवाब दिया, जो कि नए स्टूडेंट्स और आर्टिस्टों के लिए और आपके जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे पहलुओं को आपने हमसे साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम दोस्तों, हम सभी आनंद जी का स्टूडियो लाइव प्रोग्राम के ज़रिए भी विज़िट करेंगे, उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, और तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी भी सब्सक्राइब कर लें, आपको आने वाले समय में बहुत अलग अलग आर्टिस्टों के इंटरव्यू ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।